पैनामा केस, वजीर आजम के खिलाफ फैसले की सूरत में फौरी इलेक्शन पर गौर। 3 हफ्ते में लीगी क्यादत की 4 बार मुशावरत। मरियम नवाज को लाहौर से इलेक्शन लड़ाने की तजवीज। हुकूमती माहरीन अदालत से सुरखुरू होने के लिए पुरउम्मीद। फौजी अदालतों में तौसी का मामला। वजीर कानून जाहिद हामिद और नवीद कमर की मुलाकात बेनतीजा खत्म। जियालों का हुकूमत से मजीद मुजाकरात न करने का ऐलान। दौरा वेस्ट इंडीज के लिए वनडे और T20 स्क्वाड बन गया। अजहर अली की कप्तानी छोड़ते ही छुट्टी। उमर अकमल भी ड्रॉप। अहमद शहजाद, कामरान अकमल की वापसी। शादाब खान, फखर जमान, आसिफ जाकिर की पहली बार एंट्री। डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर फुल एक्शन होगा। चीफ सिलेक्टर की वार्निंग। इंजमाम उल हक कहते हैं क्रिकेट की बेहतरी के लिए नौजवान खिलाड़ियों को मौका देना चाहते हैं। हक्कानी की कारिस्तानी। ख्वाजा आसिफ का तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमीशन बनाने का मुतालबा। अमरीकियों को वीजा देने में साबिक वजीर दाखिला मुलव्वस करार। कहते हैं मुल्क के खिलाफ इकदाम की इजाजत साबिक हुकूमत ने दी। हक्कानी की हर्जा सराई। पीपल्स पार्टी भी पार्लिमानी कमीशन बनाने की हामी। साबिक सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला पर इल्जाम मुस्तरद। खुर्शीद शाह कहते हैं मालूम होना चाहिए दहशत गर्द कौन लाया और उसामा के ताल्लुकात किससे रहे। हुसैन हक्कानी ने जरदारी और गिलानी को फंसवा दिया। लीगी रहनुमा जफर अली शाह ने सुप्रीम कोर्ट में तीनों के कोर्ट मार्शल की दरखास्त दे दी। मर्दमशुमारी के लिए घरों की गिनती जारी। अहम इमारतों को नंबर मिल गए। पंजाब असेंबली को 1 और कराची में 90 को 4 नंबर दे दिया गया। आवाम का इजहार इत्मीनान। बूढ़ी खातून को माजी याद आ गया। अब तो माशाल्लाह घर घर में आबादी आबादी ऐसा नहीं होती थी। अब वो पूछ पूछ के लिख लिख के चले आते थे। माजूर अफराद को दीवार से लगाने की इजाजत नहीं दे सकते। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने मर्दमशुमारी के फॉर्म में तरमीम का हुक्म दे दिया। मुत्तहदा को मर्दमशुमारी पर तहफुजात। एक इमारत में मौजूद तमाम फ्लैट्स पर नंबर नहीं लगाए जा रहे। फारूक सत्तार का चीफ सेंसस कमिश्नर को खत। इक्तिसादी राहदारी मुकम्मल महफूज करार। वजीर आजम का पसनी से बरास्ता सड़क गवादर तक सफर। तरक्याती मंसूबों का जायजा भी लिया। वजीर आजम सिंध आए खैर मकदम करेंगे। बिलावल का मुस्बत जवाब। कहते हैं पंजाब में पीपल्स पार्टी को भी यकसा सियासी माहौल दिया जाए। शहबाज शरीफ का अंदाज़े खिताबत। माइक और डाइस की फिर चामत आई। वजीर आला कहते हैं अगर वसाइल बेसहारा अफराद को ना दिए गए तो वो छीन लेंगे। ऐसे लेते हैं यूटर्न। पीटीआई ने हिजाब लाजमी करार देने की करारदाद जमा कराते ही वापस ले ली। लाजमी करार न दिया जाए, नई करारदाद में मौकफ तब्दील। MOUs हमारी बहुत डिफरेंट कंपनी से साइन हुए, जैसे ZT हो गया। कराची को महफूज बनाने का मंसूबा गैर महफूज। हुकूमत सिंध ने सेफ सिटी मंसूबे के लिए ब्लैक लिस्ट ZTE कंपनी से मुआहिदा कर लिया। नैप ने भी पहले ठेके को गैर कानूनी करार दे दिया। कराची पुलिस का PIB करनाल बस्ती में मनुष्यात फरोश दरवेश के अड्डे पर छापा। असलहा भी बरामद। मुलजिम नईम गिरफ्तार। वजीर आजम की क्यादत में पाकिस्तान तरक्की की शाहराह पर गामजन। 2013 के बाद कई संगे मील उबूर कर लिए। तवानाई बहरान खत्म करने के लिए ठोस हिकमत अमली मुरतब की गई। दी इकोनॉमिस्ट यूरोप की रिपोर्ट। दमिश्क की अदालत के अंदर खुदकुश हमला। 25 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी।
न्यूयॉर्क में शदीद बर्फबारी, ट्रेन सर्विस मुअत्तल। अमरीका की शुमाल मशरकी रियासतों में एमरजेंसी नाफिज, स्कूल बंद। मुख्तलिफ शहरों में 5,000 परवाजों का शेड्यूल मुतासर।